तो कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से हुई एक और सीट खाली। अब राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। 5 सीटें विधायकों के लोकसभा सांसद बनने के कारण खाली हुई, जिनमें झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, चौरासी और खिवसर के विधायक निर्वाचित हो चुके हैं सांसद, जबकि सलूम्बर सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन की वजह से खाली हुई। यह आंकड़ा 6 था, लेकिन अब जुबेर खान के निधन से विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 65 हो गई है। तो राजनीतिक जगत में शोक की लहर तो है ही, लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि अब 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि एक और सीट खाली हो गई है। कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हो गया। 4 बार विधायक रहे थे जुबेर खान, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी रहे थे जुबेर खान। प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे थे, अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे जुबेर खान। जुबेर खान जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे। अध्यक्ष रहने के दौरान जुबेर खान राजीव गांधी के संपर्क में आए थे। उसके बाद उनकी गिनती गांधी परिवार के नजदीकियों में होने लगी थी। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी दिनेश डांगी जुड़े हैं। दिनेश, कांग्रेस विधायक जुबेर खान नहीं रहे, लेकिन राजनीतिक सफर उनका रहा, जिला अध्यक्ष के तौर पर पारी हो या फिर 4 बार विधायकी की बात हो, गांधी परिवार की नजदीकी की बात हो, आज उनके जाने की क्षति किस तरह से देख रहे हैं, खास तौर पर अगर इसे कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द ही रहकर देखें। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए आज कह सकते हैं कि बड़ी दुख और क्षति की बात है कि उनके सीनियर लीडर जुबेर खान का निधन हो चुका है। और जुबेर खान पार्टी के कदावर नेता थे और गांधी परिवार के वो बहुत करीबी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई है वो अलवर में की थी और उसके बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिल्ली चले गए थे और दिल्ली की जो फेमस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है उसके जुबेर खान है वो अध्यक्ष रहने के दौरान जब एक का वाकया है कि वो दिल्ली की दीवारों पर पोस्टर लगा रहे थे, तो उस दौरान जो राजीव गांधी है वो यानी वो NHUI के पंपलेट बांट रहे थे या लगा रहे थे, उस दौरान उनकी राजीव गांधी से मुलाकात होती है और राजीव गांधी उससे बहुत प्रभावित होते हैं। उसके बाद वो उनको छात्र संगठन NHUI का राष्ट्रीय सचिव बनाते और उसके बाद से लगातार गांधी परिवार के नजदीक रहे जुबेर खान। जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का महासचिव प्रभारी बनाया गया तो उन्होंने अपने साथ राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी के तौर पर जुबेर खान को अटैच किया। जुबेर खान के जब शादी हुई यहाँ पर तो खुद प्रियंका गांधी रामबाग होटल में आई थी और कई घंटों तक एक परिवार के सदस्य की तरह मौजूद रही थी और पिछले कई लंबे समय से बीमार थे। उनका लीवर ट्रांसप्लांट भी कराया था लेकिन 15 दिन पहले डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब आप उनको ले जाइए और वहां पर उनका रखिए। तो NHUI और यूथ कांग्रेस से उन्होंने अपनी सियासत का जो सफर है कांग्रेस में वो शुरू किया। उसके बाद संगठन में कई पदों पर रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी रहे, अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। पिछली बार सरकार में गहलोत सरकार में उन्हें मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। अपने क्षेत्र के उन्होंने बहुत काम किए और 1990 और 93, 2003 और 2023 यानी 4 बार जुबेर खान विधायक यहाँ पर रहे और 17 जून 2013 को उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव बनाया था। और इसके अलावा यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्हें पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी गई थी। तो एक लंबा सियासत का सफर था लेकिन 61 साल की उम्र में आज उनका सुबह निधन हो गया और शाम को उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी पत्नी साथिया जुबेर खान है, वो उससे पहले विधायक थी लेकिन जब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो इस बार परिवार ने फैसला किया जुबेर खान चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बताया जा रहा है कि काफी उन्होंने भाग दौड़ की जिसके चलते एक बार फिर उनकी तबीयत है वो नासाज हो गई। लगातार दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम में उनका रूटीन मेडिकल चेकअप कराया जा रहा था लेकिन पिछले दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और जब लीवर ट्रांसप्लांट कराया गया था उससे पहले तो उनकी तबीयत इतनी नाजुक हो गई थी, शरीर एक तरह से काफी कमजोर हो गया था लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिनों तक रिकवरी हुई। लेकिन जैसा कि एक राजनेता को लोगों से मिलना पड़ता है, समय पर खान पीन और अन्य जो दैनिक दिनचर्या वो संपन्न नहीं होती तो जाहिर सी बात एक बार फिर उनसे यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। और ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने